हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल ट्रेडर जोन में। आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में। येस बैंक ने जिस कंपनी पर याचिका डाली है फ्रेंड्स, उस कंपनी में लगभग 30% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। और कौन सी कंपनी है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। और ये महीना यानी कि अप्रैल एंड और मई दोनों महीनों में काफ़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है फ्रेंड्स। एक पॉजिटिव न्यूज़ है, एक नेगेटिव न्यूज़ है। क्या न्यूज़ निकल कर आई है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे, जिसकी वजह से हाई वॉलेटिलिटी रह सकती है मार्केट में। और आने वाला वीकेंड येस बैंक के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट करने वाला है फ्रेंड्स। आपको तो पता ही है, डेट भी निकल कर आ चुकी है येस बैंक के रिलेटेड, कौन सी डेट को रिजल्ट पोस्ट करने वाला है येस बैंक, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कैसा रिजल्ट पोस्ट कर सकता है। और कई एनालिस्ट का मानना है कि येस बैंक ये क्वार्टरली रिजल्ट में भी एक अच्छा प्रॉफिट पोस्ट करता हुआ दिख सकता है। अगर आपने येस बैंक में निवेश किया है या निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, एंड तक बने रहिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक रिमाइंडर दे देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके बाजू की बेल की घंटी दबाना मत भूलिए, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए सबसे पहले तो हम इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इसने क्लोजिंग दी है 13.70 रुपीज़ पर। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 1.11% की गिरावट तेज़ी देखने को मिली है। ये स्टार्ट ऑफ द डे इसमें गिरावट देखने को मिली है फ्रेंड्स, लेकिन एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी रिकवरी देखने को मिली है फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों से काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है मार्केट, कभी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, कभी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। आज भी वैसे ही देखने को मिला है। स्टार्ट ऑफ द डे इसमें एक बड़ी गिरावट थी, एंड ऑफ द डे आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में भी तेज़ी देखने को मिली है। ये ओपन हुआ था 13.60 रुपीज़ पर, यह हाई लगाया 13.75 रुपीज़ और लो लगाया 13.45 रुपीज़। चलिए अब हम देख लेते हैं वो कंपनी जिसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है येस बैंक की वजह से। आप देख सकते हैं यहाँ जी लर्न पे याचिका फाइल कर दी है येस बैंक ने इंसॉल्वेंसी के लिए। एनसीएलटी में इन्होंने केस फाइल कर दिया है और जी लर्न को ऑलरेडी नोटिफिकेशन भी मिल चुकी है एनसीएलटी की तरफ से। आप देख सकते हैं सिर्फ 5 डेज़ के अंदर, मैंने 5 डेज़ का चार्ट लगाया है, 5 डेज़ के अंदर अंदर इसमें लगभग 40% की गिरावट देखने को मिली है फ्रेंड्स। चलिए जल्दी से हम वॉल्यूम एनालिसिस भी कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 1 मंथ का एवरेज है 21 करोड़, 1 वीक का एवरेज 7 करोड़, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 6 करोड़ का वॉल्यूम था और आज भी 6 करोड़ का वॉल्यूम में एक गिरावट देखने को मिल रही है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको तो पता ही है आज तो वीकली एक्सपायरी था और मंथली एक्सपायरी भी था। और आप देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, जिसके चलते वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। ये पर्टिकुलर शेयर में तेज़ी मुझे लगता है मंडे के दिन देखने को मिलेगी, जब ये अपना क्वार्टरली Q4 रिज़ल्ट पोस्ट करेगा। Q4 का रिज़ल्ट जब पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, उसका एक सिंगल डायरेक्शन में या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा फ्रेंड्स। लेकिन एनालिस्ट और सबका मानना है कि ये पॉजिटिव जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जो लोन एडवांसेस का डेटा पोस्ट किया है रिज़ल्ट से पहले, वो देखते हुए सभी एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन है कि ये अच्छा प्रॉफिट पोस्ट करता हुआ दिख सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी येस बैंक के शेयर होल्ड करते हैं तो कौन से प्राइस पर आपने बाइंग की थी उसे भी मेंशन कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जी लर्न जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जी लर्न स्टॉक ऑफ जी लर्न टैंक्स 19% एज येस बैंक इनिशिएट्स इंसॉल्वेंसी प्रोसेसिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी लर्न पर याचिका प्रेजेंट कर दी गई है एनसीएलटी को, जिसके चलते हमें जी लर्न में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। अगर एनसीएलटी बड़ा एक्शन लेता है तो जी लर्न की तरफ से कुछ ना कुछ पैसे येस बैंक को आते हुए दिख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आप यहां देख सकते हैं अप्रैल 21, 2022, दोबारा से एक रिमाइंडर देता हूं फ्रेंड्स। यहां आप देख सकते हैं सैटरडे, ये आने वाले सैटरडे अप्रैल 30, 2022 को येस बैंक अपना क्वार्टरली रिज़ल्ट प्रेजेंट करने वाला है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी अनाउंसमेंट दिया है कि इनके स्टाफ और
स्टाफ और मैनेजमेंट के लिए इंटरनल ट्रेडिंग विंडो बंद कर दिया गया है फ्रेंड्स, इनसाइड ट्रेडिंग विंडो बंद कर दिया गया है। कई लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि येस बैंक ने तो हमें रुला दिया है, क्योंकि कई लोग इसमें सालों से इसमें होल्डिंग बना के बैठे हुए हैं लेकिन ये 15 रुपये का लेवल कभी क्रॉस ही नहीं करता फ्रेंड्स। रिसेंटली क्रॉस किया था 16 रुपीस, इसके बाद दोबारा से ये 14 रुपीस 13 रुपीस आ चुका है फ्रेंड्स। तो कई लोगों को येस बैंक ने रुला दिया है, लेकिन फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आप पेनी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो ये स्टॉक अच्छा रह सकता है आपके लिए, और ये लेवल अच्छा लेवल है, क्योंकि ये लेवल से ऊपर की तरफ गिरने के लिए तो इसके पास सिर्फ 12 रुपीज़ का टारगेट है, यानी कि 12 रुपीज़ का सपोर्ट है, ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो ये आपको 25 रुपये का भी टारगेट अचीव करता हुआ दिख सकता है फ्रेंड्स। तो ये इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपको शायद मुनाफा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें निवेश करेंगे तो इसमें एक अच्छा रिटर्न देता हुआ दिख सकता है फ्रेंड्स। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रिस्क फ्री स्टॉक है, क्योंकि अगर इसे डूब जाना होता तो जब राणा कपूर ने घोटाला किया था तभी डूब जाता, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि येस बैंक डूबे, तो इसलिए इसने सरकार ने इसे सेव किया है। और आपको तो पता ही है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मुझे लगता है ये क्वार्टरली रिजल्ट में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम चार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो बड़े ग्रीन कैंडल येस बैंक ने जब बनाया था तब ये इसमें एक न्यूज़ निकल कर आई थी लोन एंड एडवांसेस को लेकर, एक बहुत ही अच्छा डेटा पोस्ट किया था येस बैंक ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट से पहले फ्रेंड्स। इसके बाद मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं लगातार इसमें, और आप देख रहे हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी और जो है निफ्टी 50 में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और उसका असर हमें सभी स्टॉक्स पर भी देखने को मिला है। दोबारा से बता दूं फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ पर आप अगर फ्रेश बाइंग भी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। रिज़ल्ट के बाद अगर रिज़ल्ट पॉजिटिवली निकल कर आता है तब इसमें रैली देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो SIP में इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि आपके कैपिटल को 30-30-30% में स्प्लिट कर 30-30-30% में स्प्लिट कर तीन भागों में स्प्लिट कर आपके इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कीजिए, ताकि अगर गिरावट भी हो तो आपको नुकसान नहीं बल्कि मुनाफे में आप एग्ज़िट हो सके फ्रेंड्स। क्योंकि आप तो देख रहे हैं हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से हाई वोलेटिलिटी बनी हुई है मार्केट में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता था फ्रेंड्स, कि ये मार्केट अगर हम देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं फेड आर रेसिंग टू रेज रेट्स बट हाउ हाई रिमेंस एज एन ओपन बिड। तो फेड अपने रेट को इंक्रीज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स, जिसका असर हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। इसमें बड़ी गिरावट हो रही है, इसमें हाई वॉलेटिलिटी बनी हुई है, क्योंकि फेड अपने प्राइजेस यानी कि रेट को हाइक इंक्रीज़ करने वाले हैं, जिसके चलते मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। अगर हम पॉजिटिव पार्ट देखें तो LIC का IPO आने वाला है, तो उसे देखते हुए गवर्नमेंट चाहेगी कि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए फ्रेंड्स। तो ये फेड और LIC, फेड की वजह से आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, और LIC के IPO की वजह से मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करके हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये आने वाले महीने में। तो आप जब भी निवेश कर रहे हैं SIP में इन्वेस्ट कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ फ्रेंड्स। ये तो मेरे व्यूज़ थे, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर इन्वेस्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कर इनक्रेज करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और उसके बाजू की बेल की घंटी दबाना मत भूलिए, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिले।